दुर्गा आरती उतारकर डॉक्टर मनोज दीक्षित ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का शुभारंभ बेवर चुंगी से किया गया। माता रानी की यात्रा प्रति वर्ष जितनी धूमधाम से मनाई जाती थी, उतनी धूम इस बार देखने को नहीं मिली। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जिला अधिकारी की गाइडलाइन के अनुसार नियमों का पालन करते हुए बहुत ही सादगी से ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मात्र 3 ही रथ साजो सज्जा के साथ निकाले गए। इस यात्रा की शुरुआत बेवर चुंगी से की गई, जो बड़ा बाजार से होते हुए राम जनकी मैरिज होम, सदर बाजार, थाना कोतवाली, घंटाघर, गिहार कॉलोनी से गुजरकर इसका शिव वाटिका पर समापन किया गया। पीपल मंडी पर डॉक्टर मनोज दीक्षित ने माता की आरती उतारी। इस कार्यक्रम में आशीष पाठक, सुरजीत राठौर, संजीव मिश्रा, अजय सैनी, डॉक्टर हर्ष दीक्षित, नीलेश सक्सेना, झलक सक्सेना सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने क्या कुछ कहा। आज नवरात्रि है, नवरात्रि पर आज शोभा यात्रा निकल रही है। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप गांव की जनता से? कि कस्बे के और पूरे तहसील क्षेत्र की जनता को आज के इस नवरात्रि और दशहरा विजयदशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है भगवान राम द्वारा रावण का वध किया गया था और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। इस उपलक्ष्य में त्यौहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत सीमित व्यवस्था के तहत और सीमित परिवेश में अनुमति भी दी गई है, उसी तरह उस व्यवस्था के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। इस बार शोभा यात्रा निकाली गई है, तो क्या आपको इस बार कमी महसूस हुई है पिछली बार की अपेक्षा? देखिए, परंपरा का निर्वहन करना बहुत जरूरी था। जो पिछले 40-50 वर्षों से लगातार परंपरा चली आ रही है शोभा यात्रा निकालने की, उस परंपरा का निर्वहन जरूरी था, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से उस तरीके से तो नहीं निकल सकती जिस तरीके से हर साल निकलती रही है, लेकिन उस परंपरा का निर्वहन प्रशासन ने करवाया। इसके लिए हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं। और जैसे भी आप लोगों ने देखा कि शोभा यात्रा का निकलना हुआ है, वो वास्तव में अपने आप में एक बहुत ख़ास बात थी और उसको जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो किस तरीके जो पिछली बार की अपेक्षा करते थे इस बार बहुत कम है, ऐसा क्या कारण है? आज के कोविड की वजह से इस साल यात्रा में हम लोगों को काफ़ी संघर्ष के वजह से ये नहीं कर पाए जिससे कि हम ये काम कर पाएँ। ये सरकार की तरफ से आदेश भी नहीं है, जितनी परमिशन मिली उतना हमने ये काम किया। ये बताइए, जो प्रतिवर्ष जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इस बार बहुत कम है, ऐसा क्या कारण है? पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि कोविड-19 से हम सभी लोग ग्रसित हैं। उसको देखते हुए केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली है, जिससे धर्म के साथ साथ ये कोरोना से भी हम लोग बचाव रखते हैं। इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करके इस बार शोभा यात्रा निकाली है। इससे पहले भी निकली होंगी कहीं, इस बार भी निकली है, क्या अंतर है इस बार खास? देखिए, हम लोग तो धार्मिक दृष्टि से निकालते हैं, तो हम लोगों के लिए तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पहले बड़े धूमधाम से निकालते थे और हजारों हजार लोगों की संख्या रहती थी, क्षेत्र के लोग आते थे, तो इस बार देखने को नहीं मिला है। श्रद्धालु जो आते थे इससे पहले भी, इस बार असर दिखा है कहीं? भीड़ उतनी हुई है उससे कुछ? नहीं, किसी तरीके का एडवर्टाइज नहीं किया है, उसकी वजह से भीड़ को नहीं बताया गया है कि शोभा यात्रा निकल रही है। उसके जो भी सूक्ष्म तरीके से हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, वो शोभा यात्रा निकाली गई। जो इस वर्ष शोभा यात्रा निकाली जा रही है, पिछली बार की अपेक्षा किस तरीके से सही है या पहले से कम है? अगर पिछली बार के हम मुकाबले देखना चाहें इस बार, तो थोड़े तो कमी रही है, पर कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए यहाँ के जो कमेटीज़ है शोभा यात्रा की, उसमें जो सदस्य हैं उसके प्रोटोकॉल के सारे नियमों को पालन करते हुए इसको निकाला गया है। उसके हिसाब से बहुत बढ़िया, धार्मिक सद्भावना को देखते हुए सारी चीज़ें सही रही हैं, अच्छी भीड़ हुई है।